गाइज, आज हम लोग लेकर आ गए पार्ट 4। और पार्ट 3 में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ यहाँ तक हमने डिजाइन किया था एप्लीकेशन को। अरे जैसे यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करता तो कुछ ऐसा ही इंटरम हमने डिजाइन किया है गाइज। तो ये वाला आपको डिजाइन कैसे करना वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड गाइज, ये सारा आपको फंक्शन कैसे सेट करना है तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ मेरे भाई, इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि गाइज देखो मेरा एग्जाम हुआ था, उसके बाद मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, इस कारण वीडियो नहीं आ रहा था। और भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो गाइज अपने स्केचवेयर प्रो को ओपन करना है। जैसे देख सकते हो मैं अपना स्केचवेयर पे क्लिक करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट स्टोर पे चले आता हूँ। एंड यहाँ से अपने लॉगिन पेज पे चले आना है गाइज। लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को, पहले तो आपको लीनियर लॉगिन पे क्लिक करना और इसे सेव करना है। आप कुछ भी नाम इसका रख सकते हो, तो मैं आपस से नाम रख देता हूँ लॉगिन। ओके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको सेव वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपने नाम रखा है वो आपको आ जाएंगे। और यहाँ पर से आपको सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपको सेट कर देना है। करने के बाद आपको ये जो न्यू जेट टेक्स्ट वाला है इसे आपको ऊपर रखना है, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद आपको क्या करना है कि देख सकते हो कि आपको एक टेक्स्ट व्यू लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं एक टेक्स्ट व्यू को ऐड करता हूँ एंड यहाँ इसके नीचे रख देता हूँ। एंड इस टेक्स्ट को आपको रीनेम, पहले उससे बाद एक लीनियर एच लेना है गाइज, ठीक है। टेक्स्ट व्यू अभी रीनेम नहीं करते, एक लीनियर एच लेकर यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद ये लीनियर जो आपने नीचे लॉगिन का सोचा आपको इसे ऊपर रख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज इस टेक्स्ट को आपको रीनेम करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रखना है, आप जो भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रखता हूँ ऑलरेडी हैव योर अकाउंट, ठीक है, मैं ये रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर से व्हाट का सलेम्बू दूंगा और उसके बाद यहाँ से हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हैं और उसके बाद यहाँ पर साइन अप लिख देते हैं SIGNUP। तो गाइज ये तो पूरा कैपिटल हो गया गाइज, तो कोई बात नहीं, इसे हम स्मॉल लेटर में कर लेते हैं फटाफट से यहाँ पर क्लिक कर कर और इसे स्मॉल। तो भाई ये तो पूरा स्मॉल हो गया, और भाई इसको हम कैपिटल रखेंगे। अरे भाई ये क्या हो रहा है यार, मेरा स्केच भी हैंग कर रहा है थोड़ा, ठीक है। SI भाई यार साइन अप लिख रहा हो तो ये डॉग क्यों लिखा रहा है भाई, क्या यार टाइपिंग मेरा गड़बड़ा रहा है क्या। हाँ अब ठीक हो गया गाइज, अब UP लिख देता हूँ। ओके चलो ये हो चुका है। और यहाँ से टेक्स्ट साइज को हम बड़ा कर देते हैं, तो 1080p रखते हैं, चेक करेंगे 1080p। और यहाँ से इसके टेक्स्ट कलर को आपको जो भी आप कलर रख रहे हो वो रख लेना, तो मैं पिंक था पिंक कर लिया। एंड इसे बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद मैं इसे टेक्स्ट को और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, काफ़ी छोटा लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पर से 20 कर दिया गाइस। तो आप अपने हिसाब से रखना, आपको जैसा मर्जी आप अपने हिसाब से डिजाइन करना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो नीचे ये वाला है जो लॉगिन आपको दिख रहा है, आपको इसे साइन अप कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो साइन अप हम कर देते हैं, लिख देते हैं साइन अप। ओके एंड पूरा हम पूरा के पूरा गाइज यहाँ पर कैपिटल अक्षर में हम कर देते हैं। तो ये हो गया साइन अप। और उसके बाद अब हमें करना क्या है, तो गाइज यहाँ पर से ये सेव वाले बटन पे आएंगे, फिर से एक लॉगिन वाला है जो ये वाला आपको कहीं पर लगा देना है। एंड गाइज इस टेक्स्ट को आपको रिनेम करना और यहाँ पर फॉरगेट लिख देना है, ठीक है फॉरगेट। ओके यहाँ पर सेव कर देना, ये हो चुका है गाइज। और उसके बाद इस लीनियर फॉरगेट के आईडी को हम रखेंगे फॉरगेट, ओके और सेव कर देंगे। एंड ये नीचे वाले लीनियर है इसके आईडी चेंज करेंगे गाइज। उसके बाद लीनियर साइन अप हम रखने वाले हैं SIGNUP, और सेव कर देंगे। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है गाइज, देख सकते हो ये तो हो चुका है। और उसकी मार्जिन को आपको ध्यान देना है, एंड बटन सेट आपको कर देना है 20 या 18 dp भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 15 कर दिया हूँ।
और उसके बाद गाइज आपको यहाँ से आपको चले आना है इवेंट के सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर से इवेंट पे क्लिक करेंगे, ऑन करेक्ट पे चले आएंगे गाइज। और पहले तो ये दो गो आपको दिख रहा है लिनियर नेम वाला जो आप गोन है, इसे आपको पहले नीचे रखना और इसे कॉपी करना सेट कॉर्नर वाला एंड यहाँ पर लगा देना है। एक और कॉपी करना है और यहाँ पर लगा देना है तीन ठो, ठीक है, एंड इसे भी जोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, लिनियर लॉगिन है और इसे हम लिनियर साइन अप करेंगे और उसके बाद लिनियर फॉरगेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा गाइज। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ऐसा पहले तो बाइक आते हैं और यहाँ पर चेक करेंगे बाइक की कौन सा टेक्स भी है जो हमें गोन करना होगा। तो यहाँ से बाइक आना है और यहाँ पर चेक करना है, देख सकते हो तो ऑलरेडी है अकाउंट कौन सा आईडी आपका टेक्स आईडी, तो देख सकते हो तो मेरा टेक्स आईडी 18 है गाइज, तो 8 है, तो मैं 8 को टेक्स को गोन करूँगा, ठीक है, मेरा टेक्स आईडी 8 है, ठीक है ना, तो मैं इसे गोन कर देता हूँ। आपकी जो भी टैक्स वो वाला रहेगा ना ऑलरेडी है अकाउंट आपने किया है उसे आपको गोन कर देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर से गोन कर दिया हूँ। ओके, ये तो हो चुका है भाई। अब क्या करना है गाइज, देख सकते हो कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड गाइज यहाँ पर देख सकते हो ऑलरेडी है, पहले तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर है गाइज, इस टैक्स पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से इवेंट के सेक्शन में आ जाना है एंड ऑन क्लिक पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद गए यहाँ पर 5 पे क्लिक करने के बाद व्यू में चले आना है एंड सेट विजुअल ले लेना है एंड सेट विजुअल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर से आपको क्या करना है गाइज मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर से लिनियर नेम है जो विजुअल हो जाएगा, तो गाइज लीनियर नेम को आपको विजुअल करना है, उसके बाद यहाँ से इसे कॉपी करना है एंड उसके बाद लीनियर ईमेल है गाइज इसे भी आपको विजुअल रखना एंड ये दोनों को आपको कॉपी कर लेना एंड यहाँ पर लगा देना एंड यहाँ से मोबाइल को विजुअल कर देना एंड उसके बाद पासवर्ड को भी विजुअल कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लगा दीजिए गाइज। लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर से आपको लीनियर सीनअप है ना इसे आपको विजुअल रखना है, ठीक है, लीनियर सीनअप है जो विजुअल रहेगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ को क्या और करना है। तो यहाँ पर से ये जो लीनियर लॉगिन है इसे तो पहले आपको भैया गोन करना होगा, इसे आपको गोन कर दीजिए। और उसके बाद ये यहाँ पर से लीनियर जो फॉरगेट है इसे भी आपको कर देना है गोन। गोन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर से बैक आना और उसके बाद मैं और भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू आपको देखना, टेक्स्ट व्यू 3 है और ये टेक्स्ट व्यू 6 है ना, और ये टेक्स्ट व्यू 8 है। आपका जो भी आईडी आप देख लीजिए, तो पहले यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 3 और टेक्स्ट व्यू 6 को हम क्या करने वाले हैं, गोन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू 3 है जो गोन हो जाएगा और टेक्स्ट व्यू 6 भी गोन हो जाएगा। और यहाँ से कॉपी करना है, ये दो कॉपी करते हैं और यहाँ पर पहले लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 8 है ना जो विजुअल हो जाएगा, टेक्स्ट व्यू 8 है जो विजुअल रहेगा, ठीक है। तो भाई टेक्स्ट व्यू 8 है तो इसे नीचे करेंगे और टेक्स्ट व्यू 8 है जो यहाँ पर लीनियर साइनअप के नीचे लगा देना है, ठीक है, इस तरह से आपको कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो और ये तो हो चुका है टेक्स्ट व्यू 8 और ये डबल टेक्स्ट क्यों आ गया भाई, इससे आपको पहले टेक्स्ट व्यू 3 और टेक्स्ट व्यू 6 है जो गोन रहेगा और लीनियर लॉगिन और यहाँ पर से लीनियर फॉरगेट गाइस, ठीक है, आप ऐसे लीनियर फॉरगेट को भी आपको गोन कर देना है, ठीक है, हमने कर दिया, देख सकते हो लॉगिन फॉरगेट गोन रहेगा, टेक्स्ट व्यू 3 और 6 है जो हमने गोन किया है। मैं आपको बता देता हूँ, तो देख सकते हो ये टेक्स्ट व्यू 3 है जो गोन रहेगा और ये वाला गोन रहेगा और ये वाला जो विजुअल रहने वाला है, अरे जी ये लीनियर भी है जो गोन रहेगा और ये लीनियर गोन रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे गोन रहेगा ना, तो गाइज यहाँ पर भी तो हमें चेंजेस करना है ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लिख रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट
हैव एन अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूजर और यहाँ पर ऑन क्लिक व्यू में आ जाना है और यहाँ पर से आपको क्या करना है, सेट टैक्स लेना है और यहाँ पर लगा देना। और ये टैक्स व्यू कौन सा है गाइस, टैक्स व्यू आई थिंक वन ही होगा, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ, ये टैक्स व्यू वन है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ऑन क्लिक पे चले आना और यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेट हैव एन अकाउंट और यहाँ से व्हाट करेंगे, ओके। और यहाँ से आपको सेव कर देना है, ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ये तो हो जाएगा गाइज। और उसके बाद एक और काम करना है जो इंटर नेम है, और इंटर नेम 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 दिख रहा होगा आपको में, ठीक है। तो आपको एक एक करना है, बेसिक पे आपको क्लिक कर देना और इधर से आपको आ जाना है जो इंटर टेक्स्ट टू में, और हिंट को आप लिख देंगे, रीनेम करेंगे जो इंटर ईमेल होगा। और यहाँ पर भी सेम करेंगे और यहाँ से हम मोबाइल रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम पासवर्ड कर देंगे, पासवर्ड, ठीक है, कैपिटल पी कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ये हो गया गाइस। होने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आप अब पहले इस पर आपको क्लिक करना, न्यू यूजर इवेंट रजिस्टर है जो, इस पर आपको क्लिक करना और इवेंट पे चले आना, ऑन क्लिक में आना है और इसे आपको कॉपी कर लेना है, यानी कि कॉपी नहीं कलेक्शन करना और इसे सेव कर देना जो भी आप नाम रखो, ठीक है। तो मैं जहाँ पर GD रख रहा हूँ आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे आपको क्लिक करना है और ऑन क्लिक पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर से JD मैंने ये पर नाम लिखा था जो आपको यहाँ से लाकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप गाइस देख सकते हो कि अब मैं आपको बताता हूँ इंटर नेम है ना जो गोन करना होगा, ठीक है। इंटर नेम गोन रहेगा और इंटर ईमेल है जो विजुअल रहेगा और मोबाइल है जो गोन हो जाएगा, ठीक है। इतना कर देना और पासवर्ड है जो विजुअल रहेगा और ये सेनअप है जो वाला गोन कर दीजिएगा और टेक्स्ट भी 8 है ना जो इसे भी आपको कर देना है गोन। एंड ये लीनियर लॉगिन है जो आपको इसे विजुअल कर दीजिएगा एंड फॉरगेट पासवर्ड है जो गोन रहेगा और टेक्स्ट भी 3 विजुअल रहेगा और टेक्स्ट भी 6 भी विजुअल रहेगा। और यहाँ पर टेक्स्ट भी में आ जाएगा Already have an account, ठीक है। यहाँ पर से आपको बैक करना है एंड यहाँ पर फॉरगेट पे अभी क्लिक करना और ऑन क्लिक पे क्लिक करना और ये JD वाले आपको क्लिक कर देना है और इंटर नेम है जो इसे आपको गोन कर दीजिएगा और इंटर ईमेल है जो विजुअल रहेगा, मोबाइल भी गोन हो जाएगा और पासवर्ड भी गोन हो जाएगा, ओके। ये साइनअप वाला जो गोन हो जाएगा और टेक्स्ट भी 8 है जो गोन हो जाएगा, लॉगिन भी गोन रहेगा और फॉरगेट पासवर्ड है जो विजुअल रहेगा, टेक्स्ट भी 3 है जो गोन रहेगा और टेक्स्ट भी 6 है जो विजुअल रहने वाला है। और यहाँ पर से फॉरगेट हैव एन, यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड हमने रखा है। अब गाइस ये तो हो चुका है और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बेसिक पे क्लिक कर दीजिएगा और इवेंट में आ जाना, ऑन करेक्ट में आ जाइएगा और यहाँ से और कुछ तो नहीं करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है गाइस, अब यहाँ से सेव कर रन बटन पर हम चेक करेंगे कि भाई ये कैसा एप्लीकेशन बना। जब तक हमारा एप्लीकेशन
नोटिफिकेशन बेल दो, तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जो भाई ने नहीं किया भाई चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। रहा मेरे भाई वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर से लाइक कर दो यार। इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं भाई, मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने आज वीडियो कैसे कैसे कर कर बना रहा हूं भाई यार। तो आप लोग जरूर से यार हमारे चैनल को सपोर्ट करो और भाई जितना जल्दी हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कर दो भाई, उतना जल्दी मैं आप लोग को वीडियो बनाता रहूंगा भाई और उतना जल्दी मैं यार एप्लीकेशन की ट्यूटोरियल खत्म करने वाला हूं यार। जल्दी से जल्दी आप लोग लाइक करो और जितना जल्दी हमारे चैनल को ग्रो करो। इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड ये तो अभी आप गाइज में यहाँ पर से वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और गाइज देख सकते हो एप्लीकेशन कुछ इस तरह का दिखता है गाइज, और देख सकते हो इंटर ईमेल और पासवर्ड दिख रहा है। और गाइज हमने यहाँ पर दो गड़बड़ कर दी गाइज, देख सकते हो कि हमने यहाँ पर फॉरगेट और ये साइन अप वाला गोन नहीं किया था इसलिए ये सो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू यूजर रजिस्टर पर जैसे क्लिक करते हो गाइस देख सकते हो कि यहाँ पर नेम ईमेल पासवर्ड सो रहा और यहाँ पर से ऑलरेडी हैव अकाउंट ठीक है, और ये देख सकते हो गया ना, और फॉरगेट पासवर्ड भी क्लिक करते हो तो ऐसा हो गया। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, ओके बाय बाय।